बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट ले रहे हैं हम क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस हम जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। क्रिस्टल लैटिस एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स, जिस चीज़ से भी सॉलिड बना हुआ है, सॉलिड जो है वो एटम से भी मिलकर बन सकता है, डिफरेंट किस्म के आयन से भी मिलकर बन सकता है और मॉलिक्यूल से भी मिलकर बन सकता है। फॉर एग्जांपल कॉपर का क्रिस्टल जो होगा या टेन का क्रिस्टल जो होगा वो एटम से मिलकर बनेगा। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो NaCl से मिलकर बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आयोडीन के जो क्रिस्टल्स हैं वो I2 मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई क्रिस्टल जो है वो डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। अब जैसे हमें मालूम है कि क्रिस्टल्स एक ऐसे सॉलिड्स के अंदर होते हैं जिनके अंदर ख़ास किस्म की अरेंजमेंट पाई जाती है, ठीक है। अब उस अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए जो पॉइंट्स और जो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो मिलकर क्या बनाएंगी, क्रिस्टल लैटिस बनाएंगी, ठीक है। तो क्रिस्टल लैटिस को हम डिफ़ाइन करेंगे एज एन एरे ऑफ पॉइंट्स। एरे मतलब एक कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपको फिगर दिखाई गई है, रिप्रेजेंट मतलब कि वहाँ पर एटम्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। जहाँ पर अभी हमने डॉट लगाया वहाँ पर क्या मुराद है कि यहाँ पर कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। और जहाँ पर हमने लाइन लगाई है इससे मुराद है कि यहाँ से यहाँ तक दूसरी तक का डिस्टेंस जो है वो इस लाइन से हम शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ख़ास किस्म की एक शेप आती है हमारे पास, एक थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स और आयंस जो हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, और वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कहलाती है, क्रिस्टल लैटिस कहलाती है, ठीक है। यानी कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर पाए जाने वाले जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी क्या पोजीशन है, उनके अंदर क्या एंगल्स हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस है, एटम टू एटम, आयन टू आयन, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, उस सारी की रिप्रेजेंटेशन किसके अंदर हमें हासिल होती है, क्रिस्टल लैटिस के अंदर हासिल होती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यूनिट सेल। अब क्रिस्टल लैटिस तो क्या होगा, पूरा का पूरा एक बड़ा क्रिस्टल लैटिस, यानी कि पूरी की पूरी असेंबली जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो है वो हमारे पास लैटिस है, ठीक है। अब इसका सबसे छोटा पार्ट जो कि अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, दैट विल बी नोन एज यूनिट सेल। जैसे यहाँ पर यह डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये पूरा का पूरा क्या है, क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस बता रहा है कि किसी भी सॉलिड, फॉर एग्जांपल कोई भी सॉलिड हमने लिया हुआ है, उसकी क्या पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पर ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये आपको पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि ये वाला जो स्क्वायर शेप है ये बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। सो दिस स्क्वायर शेप, दिस क्यूबिक शेप इज़ रिपीटिंग इट्सेल्फ, ठीक है। ये वाला एक है, फिर इसके साथ एक दूसरा आपको अटैच हुआ हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, यानी कि सबसे छोटी इकाई जो अपने आप को बार बार रिपीट करेगी, दैट विल बी नोन एज यूनिट सेल, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है दैट इज़ नोन एज यूनिट सेल, ठीक है। इसके ऊपर एक और यूनिट सेल है, इसके ऊपर बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर एक क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो यूनिट सेल क्या होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस जिसके अंदर तमाम करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं पूरे क्रिस्टल की, ठीक है। दैट विल बी नोन एज यूनिट सेल। तो ये जो दो डेफिनेशंस हैं, यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस, इसकी जहाँ पर ये जो रेड आपको दिया गया है इसको आपने एज सच ही डेफिनेशन को याद करना है। डेफिनेशन से ये मुराद होता है कि आपने उसको कम्प्लीटली उसी तरीके से याद करना होता है ताकि उसकी डेफिनेशन जो है वो आपके जहन में रह सके, ठीक है। उसके बाद यूनिट सेल की भी आपने डेफिनेशन इसी तरीके से याद करनी है कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस दैट हैज़ ऑल द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इंटायर क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल छोटा पार्ट होता है, ठीक है। अब यूनिट सेल को हम डिफाइन कैसे करते हैं, यूनिट सेल को हम डिफाइन करते हैं तीन लाइनों के ज़रिए और तीन एंगल्स के ज़रिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस यूनिट सेल को आप वार्ड्स देखें, इस यूनिट सेल में आपकी मर्ज़ी, आप जो जिसको मर्ज़ी जो है वो लाइन्स को आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो लाइन है इसको आप ए कह लें, ठीक है, ए लाइन, बी लाइन एंड सी लाइन, ठीक है। ये क्या है, तीन लाइंस जो इसको डिफाइन कर रही हैं, सही है। एक जो क्या जा रही है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे जा रही है, एक जो वाई एक्सिस पे जा रही है और एक जो जेड एक्सिस पे जा रही है, ठीक है। यही तीन लाइंस हैं आपके पास, सही है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस वाली आ गई, ये वाई एक्सिस वाली आ गई, ठीक है, और ये क्या आ गई, जेड एक्सिस वाली आ गई, सही है। इसी तरीके से ये आपके पास वाई है, सॉरी यस वाई है, और ये हमारे पास एक्स हो गया और ये हमारे पास जेड हो गया। तो तीन एक्सिस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास तीन लाइंस होती हैं, यानी कि एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अब ये जो तीन लाइंस हैं ये जो आपको डिफाइन यहाँ पे करें, इसको आप खुद से नाम दे सकते हैं, यानी कि ए बी सी आपने नाम देना है। किसी को भी आप ए कह दें, किसी को भी आप बी कह दें, और किसी को भी, फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल वाले को ए मैं कह देती हूँ,
वर्टिकल वाले को बी कह देती हूँ, और जो जेड एक्सेस यानी कि बाहर वाले एक्सेस पे आ रहा है उसको मैं सी कह देती हूँ। ठीक है, तो तीन लाइंस जो इसको यूनिट सेल को डिफाइन करेंगे, उसको लाइंस को आपने नाम देना है ए बी सी। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको ए दे सकते हैं, इसको बी दे सकते हैं, इसको सी दे, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ए दे देते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपने किसको ए कहना है, किसको बी कहना है, किसको सी कहना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ, मेरी मर्ज़ी है कि मैं इसको ए कह देती हूँ, ठीक है, और इसको मैं बी कह देती हूँ, और इसको मैं सी कह देती हूँ। ठीक है, तो फिर अब एंगल्स जो होंगे वो इसके डिफरेंट होंगे। ठीक है, एंगल्स कैसे डिफरेंट होंगे, जो हमारे पास ए और बी के दरमियान में एंगल होगा, यानी कि ए और बी के दरमियान में ये वाला एंगल बन रहा है ना, ए और बी के दरमियान में एंगल जो होगा उसको हम गामा कहेंगे। ठीक है, और ए और सी के दरमियान में जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल है, ए और सी के दरमियान में जो एंगल होगा उसको हम बीटा कहेंगे। ठीक है, और सी और बी के दरमियान में जो एंगल होगा उसको हम अल्फ़ा कहेंगे। ठीक है, यानी कि तीन लाइनें और तीन आपके पास क्या हैं, एंगल्स हैं। लाइनों यानी कि ए बी सी आपने पहले नाम दे देना है। ठीक है, फिर ए और बी के दरमियान में जो एंगल होगा उसको आपने क्या कहना है, ए और बी के दरमियान में एंगल्स होगा उसको आपने क्या कहना है, गामा। सही है, बी और सी के दरमियान में जो एंगल होगा उसको आपने क्या कहना है, अल्फ़ा। ठीक है, और इसके बाद कौन सा रह गया, ए और सी, ए और सी के दरमियान में जो एंगल होगा उसको आपने क्या कहना है, बीटा। ठीक है, यानी कि तीन लाइंस हैं ए बी एंड सी, और तीन ही एंगल्स हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ठीक है, ये छः यूनिट्स जो हैं यानी कि थ्री लाइंस और थ्री एंगल्स जो हैं वो आपको क्रिस्टल सिस्टम के अंदर उसकी जो है वो लेंथ और उसकी जो एंगल्स हैं वो डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, ए और बी और सी को आपने लाइंस को पहले डिफ़ाइन कर लेना है, लेकिन उसके बाद जो एंगल्स देने हैं वो उन लाइंस के हिसाब से देने हैं। ए और बी के दरमियान में गामा होगा, बी और सी के दरमियान में अल्फ़ा होगा, ठीक है, और ए और सी के दरमियान में बीटा होगा। ठीक है, इसके छोटे से एक ट्रिक ये आप कर सकते हैं कि ए बी सी, ठीक है, ऐसे है ना, ए बी सी, और तीन एंगल्स कौन से हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो ए और बी के दरमियान में सी नहीं है तो इसको गामा मिल जाएगा। ठीक है, बी और सी के दरमियान में ए नहीं है ना तो उसको अल्फ़ा मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सी और ए के दरमियान में बी नहीं है तो उसको बीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा ट्रिक आप इसके साथ कर सकते हैं याद करने के लिए कि अल्फ़ा बीटा और गामा किन एंगल्स को कहना है। ठीक है, तो ये तीन लाइंस और तीन जो हमारे पास एंगल्स हैं ये सिक्स पैरामीटर्स हैं जो कि यूनिट सेल को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो जितने भी क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, टोटल जितने भी क्रिस्टल सिस्टम्स हैं हमारे पास, उनके अंदर जो हैं वो क्या होते हैं, सिक्स टाइप्स होती हैं, सॉरी सेवन टाइप्स होती हैं, सेवन टाइप्स के क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं वो इन सेवन टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइप्स के नहीं हो सकते, सेवन टाइप्स के क्रिस्टल लैटिसेस हैं, इसी तरह के होंगे, जैसे क्यूबिक सिस्टम, उसके बाद टेट्रागोनल सिस्टम, उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, उसके बाद मोनोक्लिनिक सिस्टम, उसके बाद आ जाता है हेक्सागोनल, और उसके बाद रोम्बोहेड्रल। ठीक है, इसकी तमाम की फिगर्स जो हैं यहाँ पर आपको गिवन है, ये क्यूबिक है, ये टेट्रागोनल है, ये ऑर्थोरोम्बिक है, ये मोनोक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, उसके बाद रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। ठीक है, अब ये तीनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है, यहाँ पर आपके पास ये पूरा चार्ट गिवन है जहाँ से आपने इसको बहुत आसानी के साथ याद कर सकते हैं। क्यूबिक का क्या है, ए बी सी तीनों लाइनें बराबर हैं और तीनों एंगल भी बराबर हैं, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों एंगल्स बराबर हैं और तीनों लाइनें भी बराबर हैं, और तीनों एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। अगर ऐसी शेप है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक। ठीक है, टेट्रागोनल में क्या है, ए और बी दो लाइंस साइड्स बराबर हैं, तीसरी साइड बराबर नहीं है, लंबी है थोड़ी। ठीक है, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा तीनों एंगल्स बराबर हैं और 90 डिग्री सेंटीग्रेड के हैं, 90 डिग्री के हैं, राइट एंगल्स हैं। उसके बाद जो ऑर्थोरोम्बिक शेप है उसकी तीनों साइडें बराबर नहीं हैं लेकिन एंगल तीनों ही बराबर हैं, दैट इज़ 90 डिग्री। ठीक है, मोनोक्लिनिक के अंदर क्या होता है, तीनों साइडें बराबर नहीं हैं, दो एंगल्स बराबर हैं जो कि 90 डिग्री के हैं और एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है, 90 डिग्री के बराबर नहीं है। उसके बाद हेक्सागोनल में दो लाइंस ए एंड बी बराबर हैं, सी बराबर नहीं है। ठीक है, इसके अंदर दो एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं और एक एंगल जो है वो हमारे पास 120 डिग्री का है हेक्सागोनल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी आपके पास रोम्बोहेड्रल या जिसका दूसरा नाम क्या है, ट्राइगोनल। ठीक है, रोम्बोहेड्रल के अंदर तीनों साइडें बराबर हैं और तीनों एंगल्स जो हैं वो
क्या है, ए और बी जो हैं वो ग्रेटर देन 90 है, ठीक है, ए और बी जो हैं वो बराबर हैं लेकिन ग्रेटर देन 90 सॉरी लेस देन 90 हैं, ठीक है। और जो तीसरा है गैमा वो 120 डिग्री का है, ठीक है। ट्राइक्लिनिक जो है वो उसके अंदर ना तीनों साइड्स बराबर हैं ना तीनों एंगल्स बराबर हैं, और तीनों एंगल्स 90 डिग्री के भी नहीं हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपको एग्जांपल्स दी गई हैं कि क्यूबिक के अंदर आपके अंदर NaCl आता है, कॉपर आता है, टेट्रागोनल के अंदर आपके पास जो है वो SnO2 आता है, MnO2 आता है, इसी तरीके से ऑर्थोरोम्बिक के अंदर आयोडीन आता है, मोनोक्लिनिक के अंदर शुगर सल्फर बोरेक्स आता है, हेक्सागोनल जो है वो ग्रेफाइट जो है वो हेक्सागोनल ज्योमेट्री रखता है, रोम्बोहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की है, NaNO3 की है। इसी तरीके से ट्राइक्लिनिक जो है वो K2Cr2O7H3BO3 के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और कॉपर सल्फेट डॉट H5H2O इसके अंदर भी ट्राइक्लिनिक ज्योमेट्री है। तो यहाँ पर हमारे पास इन ये जो टेबल है इससे आपको बड़ी जल्दी जो है वो आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है, कि क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक के अंदर जो है वो एक्सेस और एंगल्स की क्या मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, और एक एक दो दो डेफिनेशंस भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन है अगर हम बॉन्डिंग के हिसाब से करें, पहले तो हमने शेप के हिसाब से किया ना कि उसके अंदर क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस है, तो हमने दो में डिवाइड किया कि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। अब जो है वो हम सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन करने लगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उनके अंदर जो पाई जाती हैं। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर आयनिक बॉन्ड है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो आयनिक सॉलिड्स कहलाएगा, अगर उसके अंदर दो एटम्स के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो उसको हम कोवलेंट सॉलिड्स कहेंगे। उसके बाद थर्ड जो है वो मेटालिक सॉलिड्स, जिसके अंदर मेटालिक बॉन्ड होगा उसको हम मेटालिक सॉलिड्स कहेंगे, और जिनके अंदर जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं यानी कि उनके अंदर वंडरवॉल फोर्सेस हैं उनको जो है वो हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहेंगे। तो पहले के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरे के अंदर क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स, तीसरे के अंदर क्या है, मेटालिक बॉन्ड, और चौथे के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो कौन सी हैं, वंडरवॉल फोर्सेस हैं, ठीक है। जो फर्स्ट एग्जांपल के फर्स्ट सॉलिड की तरफ आ जाते हैं दैट इज़ आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के अंदर ज़ाहिर है उसके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, आयंस होंगे, और आयंस के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। आयंस के अंदर कैसे बॉन्ड बनता है, जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नॉन मेटल के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज को आपको मालूम है अट्रैक्ट करता है। तो ये जो अट्रैक्शन होती है जो कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान में होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, या उसका दूसरा नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लो या आयनिक बॉन्ड कह लो, ठीक है। तो इनके दरमियान में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और आयनिक बॉन्ड होता है। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है, ये मजबूती से एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं अपने साथ, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी उस लिहाज से होंगी, ठीक है। कैटाइंस और एनाइंस जो हैं वो क्योंकि वेल डिफाइंड ज्योमेट्री में होते हैं इसलिए तमाम के तमाम क्रिस्टलाइन होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। जब सॉलिड होंगे तब क्या होंगे, इनके अंदर ज्योमेट्री होगी, क्रिस्टलाइन होंगे ये, ठीक है। जब हम इन पे आम तौर पे अगर हम इन्हें देखें रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर तो ये सब के सब ज़्यादातर क्या हैं, सॉलिड्स ही हैं, कोई भी इनमें से लिक्विड नहीं है। क्यों लिक्विड नहीं है या गैस नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड्स ऐसे हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि बहुत स्ट्रांग है इसलिए ये सॉलिड्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, बहुत स्टेबल हैं, ठीक है, हाई एनर्जी पे भी क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल रखते हैं। स्टेबल से मुराद है कि इनको जो ब्रेक डाउन करना है वो आसान नहीं है, हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। आयनिक क्रिस्टल्स के हैं हार्ड भी बहुत ज़्यादा हैं, हार्ड क्यों है, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि बहुत स्ट्रांग है, दैट्स वाई ये हार्ड हैं, इनको तोड़ना आसान नहीं है, ठीक है। लो वॉलेटिलिटी है, लो वॉलेटिलिटी से क्या मुराद है कि यह जो बुखारात बनते हैं या वेपर्स बनते हैं वो बहुत थोड़े बनते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ही बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी तब भी तो उसमें से वेपर्स बनेंगे ना, तो ये वोलेटाइल नहीं होते क्योंकि इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स जो है बहुत स्ट्रांग है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कि इन्हें मेल्ट करना और बॉयल करना बहुत मुश्किल है, हाई टेम्परेचर पर इन ये मेल्ट और बॉयल होते हैं क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं बहुत स्ट्रांग हैं। उसके बाद है कि
न्यूट्रल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में नहीं रह सकते, यानी कि NaNaCl फॉर एग्जांपल, एक Na और एक Cl जो है वो अलहदा रह ले, ऐसे नहीं होता। ये पूरे के पूरे एक Na के अंदर, एक Na के गिर्द, एक सोडियम के गिर्द बहुत सारे क्लोरीन्स होंगे, एक क्लोरीन के गिर्द बहुत सारे Cl होंगे, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि इनके अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, फील्ड होता है ना NaCl। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है कि ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स के तौर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स के तौर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यानी कि एक Na जो होता है उसका बॉन्ड कैसे होता है कि उसका फील्ड होता है, ठीक है। इस फील्ड के गिर्द जितने भी क्लोरीन आ सकते हैं वो इसके फील्ड के गिर्द होते हैं, यानी कि एक डायरेक्शनल इसका बॉन्ड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लोरीन यहाँ पर पड़ा हुआ है तो इसकी यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड बनेगा, ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये चार्ज है, इसके गिर्द पूरा एक फील्ड होता है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर इसके गिर्द और ऊपर नीचे इसके गिर्द पूरे के गिर्द जितना भी फील्ड होगा वहाँ पर क्लोरीन्स अटैच हो सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के तौर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये इनका फील्ड होता है, इनके अंदर केटाइन्स और एनाइन्स जो हैं वो इकट्ठे ही रहते हैं, ठीक है, और इसीलिए ये बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं। यानी कि नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड से क्या मुराद है, यहाँ पे जो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड लिखा हुआ है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड से ये मुराद है कि Na जो है वो एक डायरेक्शन में ही Cl की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि वो हर डायरेक्शन से ही Cl को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल है और ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यानी कि हम NaCl को ये नहीं कह सकते कि NaCl एक मॉलिक्यूल है, नहीं, NaCl एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला है, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या है, ये सबसे छोटे पार्ट को NaCl हम कह देते हैं। हालांकि NaCl के अंदर क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे सोडियम्स के गिर्द, एक सोडियम के गिर्द बहुत सारे क्लोरीन होते हैं और एक क्लोरीन के गिर्द बहुत सारे सोडियम्स होते हैं, क्योंकि फील्ड होता है इनका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, इसलिए अट्रैक्शन वहाँ तक होती है, ठीक है, हर तरफ होती है, इनकी एक डायरेक्शन में नहीं होती, सही है। इसी तरीके से इनके अंदर क्लोज पैकिंग होती है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए इनके अंदर क्या होती है, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग से मुराद है कि इनके अंदर जो खाली जगह होती हैं वो बहुत थोड़ी होती हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, करीब करीब जो है वो Na और Cl पड़े हुए होते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। इसी तरीके से जो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स होता है वो डिपेंड करता है कि केटाइन और एनाइन, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव की रेशो क्या है, यानी कि पॉजिटिव का साइज़ कितना है और नेगेटिव का साइज़ कितना है। जो उनकी आयनिक रेशो होगी, रेडियस रेशो होगी, वो बताएगी कि आपकी क्या ज्योमेट्री है। फॉर एग्ज़ाम्पल, NaCl और सीजियम फ्लोराइड की सेम ज्योमेट्री है, क्योंकि उनकी रेडियस रेशो जो है वो सेम है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे जो आयनिक जो हमारे पास कंपाउंड्स होंगे उनके अंदर डिफरेंट अगर रेडियस रेशो होगी तो उनके डिफरेंट जो हैं वो स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इन द केस ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फार्मूला मास, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जब भी आयनिक क्रिस्टल्स की बात होती है तो हम मॉलिक्यूलर मास नहीं, हम फार्मूला मास लिखते हैं। फार्मूला मास क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम NaCl फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूँ NaCl का मास बताएं, तो आप क्या करते हैं, Na का प्लस कर देते हैं Cl के अंदर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास नहीं कहते, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नहीं है। पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसको हम मॉलिक्यूल क्यों नहीं कहते हैं। मॉलिक्यूल इसलिए नहीं कहते क्योंकि NaCl सिर्फ ऐसे नहीं होता कि एक Na ने एक Cl को अट्रैक्ट किया हुआ, ऐसे नहीं होता। NaCl क्योंकि Na के गिर्द एक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये पॉजिटिव चार्ज का पूरा एक फील्ड होता है इसके गिर्द। इसके गिर्द जितने भी क्लोरीन होंगे ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसके साथ ये बॉन्ड बना रहा होगा, अट्रैक्शन शो कर रहा होगा। बॉन्ड से क्या मुराद है, अट्रैक्शन, ठीक है। तो अट्रैक्शन क्योंकि इसकी हर तरफ हो रही होती है, सिर्फ एक क्लोरीन के साथ या एक ही डायरेक्शन में नहीं हो रही होती, इसलिए इसको फार्मूला मास या मॉलिक्यूल नहीं कह, सॉरी, इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं कह सकते NaCl के मास को, और NaCl को इसका मॉलिक्यूल भी नहीं कह सकते। ये इसका क्या है, फार्मूला है, फार्मूला मास है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस की गई है, दैट इज़ आयनिक क्रिस्टल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, हालांकि इनके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, लेकिन वो मूव ही नहीं कर सकते। तो जब मूव नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, ठीक है ना। जब सॉलिड है तो क्या होता है, Na पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर मौजूद है वो वहीं पर ही मौजूद रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो बहुत स्ट्रांग है। तो सॉलिड्स में क्या होता है,
जो हमारे पास पार्टिकल होता है वो अपनी जगह पे ही सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है, उठ के दूसरी साइड पे नहीं जा सकता, ठीक है। तो अगर आप सॉलिड स्टेट में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे तो वो कंडक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं कंडक्ट होगी? क्योंकि आपके जो चार्जेस हैं वो मूव नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पे ही रहेंगे क्योंकि सॉलिड है। जैसे ही आप उसको मेल्ट करेंगे, लिक्विड बनाएंगे या उसका सोल्यूशन बनाएंगे, तो अब आयंस जो हैं वो मूव कर सकते हैं। जब आयंस मूव करेंगे तो फिर क्या होगा हमारे पास, फिर जो है वो हम कर सकते हैं कि वो जो है वो फिर जो है वो क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाईली ब्रिटल है। हाईली ब्रिटल होने की वजह क्या है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने फोर्स अप्लाई की, ठीक है, इस साइड पे फोर्स जब अप्लाई की तो क्या हुआ, ये वाला जो पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव के सामने आ गया, ठीक है, सॉरी फोर्स अप्लाई की तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने आ गया, नेगेटिव नेगेटिव के सामने आ गया, ठीक है। तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करना शुरू कर देगा, और नेगेटिव ये जब स्लिप होके इसके सामने आएगा, नेगेटिव नेगेटिव के सामने आ जाएगा तो ये इसको रिपेल करेगा, जब रिपेल करेगा तो इसके अंदर क्रैक बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल ऐसे चीज़ों को कहते हैं जो कि बहुत जल्दी क्रैक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, ठीक है। तो ब्रिटल होने की वजह क्या है कि जैसे ही हम इन पर फोर्स अप्लाई करते हैं एक डायरेक्शन में, तो क्या होता है जब लेयर्स एक दूसरे के ऊपर से स्लिप होती हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज के सामने आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज के सामने आ जाता है, ठीक है। तो जब वो एक दूसरे के सामने आते हैं तो क्या होता है कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल होकर उनके दरमियान में क्रैक्स आ जाते हैं, इसलिए हाईली ब्रिटल है, ठीक है। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आयंस आयनिक क्रिस्टल जो हैं वो सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नंबर टू ये सवाल पूछा जाता है व्हाई आयनिक क्रिस्टल्स आर हाईली ब्रिटल, तो इनके जवाब जो हैं वो इन दो पैराग्राफ्स में आपको गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके से आयनिक सॉलिड्स की डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। डेंसिटी हाई होने की वजह क्या है कि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्योंकि करीब होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी भी हाई होती है। डेंसिटी हम किसे कहते हैं, एक वॉल्यूम के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी कि इनके अंदर ज़ाहिर है तमाम क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी क्रिस्टल्स हैं, तो क्रिस्टलाइन वाली प्रॉपर्टीज़ भी सारी होंगी जो कि हम पीछे पढ़ कर आए हैं, जैसे आइसोमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर पाई जाती हैं, सही है। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स।